नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, या फिर अधिगम स्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या फिर जो है आराम करना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा सी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को जो है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए ताकि जो बच्चा जो है वो अधिगम से जुड़ सके। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो देखिए, सभी छात्रों के लिए है, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, या फिर सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या फिर सभी नागरिकों के लिए। तो भारतीय संविधान में निःशुल्क शिक्षा है वो 14 वर्ष तक के जो सभी छात्र हैं उनके लिए है। किन के लिए? जो 14 वर्ष तक के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक होते हैं तो अपराधी बालक जो कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो अपराधी बालक जो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, मतलब जो समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं ऐसे कार्य करते हैं, वो जो है अपराधी बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया यह कथन किसका? यानी कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है यह कथन किसका है? तो थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, स्किनर का है, या फिर हल का है। तो ये जो कथन है वो है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, या फिर पियाजे ने। तो तत्परता का जो नियम है यानी कि सीखने के जो नियम बताए थे वो दिया था थॉर्नडाइक ने, यानी कि तत्परता का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने पर, अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों, यहाँ पर सम होगा, समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन जो प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, समस्या जो है चिंतन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। जब कोई समस्या आती है तभी क्या हम चिंतन करते हैं और उसे सॉल्व करने के तरह तरह के तरीके जो है खोजते हैं। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि -- साधारणतया होती है उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसत की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि होती है साधारणतया यानी 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 और 100 के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन जो ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसमें हमें जो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या CCE। तो ये जो है तीनों जो मूल्यांकन के प्रकार है, लेकिन मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं इसमें, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है कि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। इस तरह से हमने दोस्तों कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।